अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अहमद रजा और आप देख रहे हैं अहमद टीवी। दोस्तों, क्रिकेट दुनिया में सबसे ज्यादा खेली जाने वाली स्पोर्ट्स में से एक है। क्रिकेट की दुनिया में आए रोज नए रिकॉर्ड्स बनते रहते हैं। कुछ रिकॉर्ड्स तो ऐसे होते हैं जिनको कभी भी भुलाया नहीं जा सकता, और आज की इस वीडियो में मैं आपको क्रिकेट की तारीख में बनाए गए सबसे कम टेस्ट स्कोर के बारे में बताने जा रहा हूँ, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सो लेट्स बिगिन। सब्सक्राइब करें अहमद टीवी को और बेल आइकन को दबाएं इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नंबर 6, न्यूजीलैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, ये मैच 29 मार्च 1946 को हुआ। ये ऑस्ट्रेलिया टूर ऑफ न्यूजीलैंड सीरीज का मैच है, और इस मैच में न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की अच्छी बॉलिंग होने की वजह से न्यूजीलैंड सिर्फ 39 ओवर के अंदर सिर्फ और सिर्फ 42 स्कोर बना सकी। इस मैच का रन रेट 1.07 था, और ये उस इनिंग का पहला मैच था। ये मैच वेलिंगटन की ग्राउंड में हुआ था। इस मैच के अंदर रॉय लिंडवाल ने 8 ओवर के अंदर 1 विकेट, एर्नी टोशेक ने 19 ओवर के अंदर 4 विकेट, बिल ओरेली ने 12 ओवर के अंदर 5 विकेट हासिल की। न्यूजीलैंड टेस्ट की इस इनिंग में सिर्फ 42 स्कोर बना सकी, दुनिया की अच्छी टीम होने के बावजूद, और ये टेस्ट की तारीख के सबसे कम स्कोर्स में से एक है। नंबर 5, आयरलैंड वर्सेस इंग्लैंड। ये मैच आयरलैंड टूर ऑफ इंग्लैंड सीरीज का मैच है। इस मैच के अंदर इंग्लैंड ने टॉस जीत कर बैटिंग का फैसला किया था, और जब आयरलैंड की बैटिंग की बारी आई तो उनका रिजल्ट बहुत गंदा हुआ। आयरलैंड ने 15.4 ओवर के अंदर सिर्फ 38 स्कोर बनाए। इस मैच का रन रेट 2.42 था। ये इस इनिंग का चौथा मैच था। ये मैच 24 जुलाई 2019 को लॉर्ड्स लंदन ग्राउंड में हुआ था। इस मैच के अंदर क्रिस वोक्स ने 5 ओवर के अंदर 7 विकेट्स, और स्टॉट ब्रॉड ने 7 ओवर के अंदर 3 विकेट्स हासिल की। आयरलैंड ने इस मैच के अंदर सिर्फ और सिर्फ 38 स्कोर बनाए, जो कि बहुत ही कम है। नंबर 4, इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, ये मैच इंडिया कभी भी नहीं भूलेगा। ये मैच 17 दिसंबर 2020 को एडिलेड ग्राउंड में हुआ था। इस मैच के अंदर इंडिया ने 21.2 ओवर के अंदर सिर्फ और सिर्फ 36 स्कोर बनाए। इस मैच का रन रेट 1.69 था। ये इनिंग का तीसरा मैच था। इस मैच के अंदर पृथ्वी विराट कोहली ने 4 रन, और दूसरी तरफ पुजारा, अजिंक्य रहाणे और अश्विन ने 0 स्कोर बनाए। इसके साथ अग्रवाल ने 9, बुमराह ने 2, विलहरी ने 8, यादव 4 पर नॉट आउट, और मोहम्मद शमी 1 स्कोर पर इंजर्ड नॉट आउट हुए। जबकि दूसरी तरफ पैट क्यूमिंस ने 10 ओवर के अंदर 4 विकेट्स, जबकि हेजलवुड ने 5 ओवर के अंदर 5 विकेट्स हासिल की। इस मैच में इंडिया ने टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला किया, और ये मैच आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप इंडिया टूर ऑफ ऑस्ट्रेलिया का मैच था। इंडिया की इस कारकर्दगी को हमेशा के लिए याद रखा जाएगा, जो कि सच में नाकाबिले फरामोश है। नंबर 3, ऑस्ट्रेलिया वर्सेज इंग्लैंड। दोस्तों, ये जो मैच आप देख रहे हैं, ये 29 मई 1902 का मैच है। ये मैच बर्मिंगम ग्राउंड में हुआ था। इस मैच के अंदर ऑस्ट्रेलिया ने 23 ओवर के अंदर सिर्फ 36 स्कोर बनाए। इस मैच का रन रेट 1.56 था। ये इनिंग का दूसरा मैच था, और इस मैच में ऑस्ट्रेलिया सिर्फ और सिर्फ 36 स्कोर बना सकी, जो कि टेस्ट के हिस्ट्री के सबसे कम स्कोर्स में से एक मैच है। नंबर 2, साउथ अफ्रीका वर्सेस इंग्लैंड। इस मैच के अंदर साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर बॉलिंग करने का फैसला किया। ये मैच 13 फरवरी 1896 को सेंट जॉर्जेस पार्क पोर्ट एलिजाबेथ में हुआ था। ये मैच इनिंग का चौथा मैच था। इस मैच के अंदर साउथ अफ्रीका ने 18.4 ओवर में सिर्फ और सिर्फ 30 स्कोर बनाए। इस मैच का रन रेट 1.91 था। इस मैच में जॉर्ज लोहमैन ने 9 ओवर के अंदर 8 विकेट, ह्यूग ब्रॉमली ने 7 ओवर के अंदर 1 विकेट, और टॉम हेवर्ड ने 2 ओवर के अंदर 1 विकेट हासिल की। इसके अलावा साउथ अफ्रीका ने इंग्लैंड के खिलाफ 1924 के एक टेस्ट मैच में 30 स्कोर, 1899 के एक टेस्ट मैच के अंदर 30 स्कोर, और 1932 के एक मैच के दौरान 36 स्कोर बनाए। साउथ अफ्रीका टेस्ट की हिस्ट्री में सबसे कम स्कोर बनाने वाली टीम है, और शायद इसी वजह से साउथ अफ्रीका आज तक कोई भी वर्ल्ड कप नहीं जीत सकी। नंबर 1, न्यूजीलैंड वर्सेस इंग्लैंड। ये जो मैच आप देख रहे हैं, ये इंग्लैंड टूर ऑफ न्यूजीलैंड सीरीज का मैच है। इस मैच में न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया। इंग्लैंड की शानदार बॉलिंग की वजह से इस मैच के अंदर न्यूजीलैंड के साथ वो हुआ था जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। ये मैच 25 मार्च 1955 को ऑकलैंड में हुआ था। ये मैच इनिंग का तीसरा मैच था। इस मैच के अंदर न्यूजीलैंड ने 27 ओवर में सिर्फ और सिर्फ 26 स्कोर बनाए। इस मैच का रन रेट 0.96 था। इस मैच के दौरान फ्रेंड टाइसन ने 7 ओवर में 2 विकेट्स, ब्रायन स्टेथ ने 9 ओवर के अंदर 3 विकेट्स, जॉनी वर्डी ने 5 ओवर के अंदर 1 विकेट्स, और बॉब एप्लेजार्ड ने 6 ओवर के अंदर 4 विकेट्स हासिल की। न्यूजीलैंड के इस इनिंग के 26 स्कोर टेस्ट की तारीख में रिकॉर्ड किया गया आज तक सबसे कम बनाया जाने वाला स्कोर है। पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।